लेकिन भाई आप चिंताएं छोड़ दीजिए, अब हम आ गए तो मुस्कुराइए, हंसिए। ईमानदारी बहुत जरूरी है। किसी ने किसी पूछा, तीन लड़के खड़े थे, बताओ तुम में सबसे ज्यादा ईमानदार कौन है? इतना सब मैं बहुत ईमानदार हूँ और भयंकर ईमानदार हूँ। बताओ तुम्हारी ईमानदारी का उदाहरण। मैं सिर्फ एक लड़की से प्यार करता हूँ सर, इतना ईमानदार बिल्कुल, बाकी किसी से नहीं। चल कोई खास बात नहीं, हट दूसरे को। तुम, मैं बहुत ईमानदार हूँ साहब। एक बार मुझे सड़क पे 2 लाख रुपए मिले, मैंने ढूंढा शाम तक, उसे घर जाके लौटा के आया, ये मेरी ईमानदारी है। अरे तेरी ईमानदारी में भी दम नहीं है। तीसरे को पूछा, तेरी ईमानदारी? अरे साहब मुझसे ज़्यादा ईमानदार तो कोई है ही नहीं। मैंने फ़ोन निकाला, सेल्फी लेने के लिए कैमरा ऑन किया और फिर शक्ल देख के बोला, छोड़ यार क्या फ़ायदा, इससे ज़्यादा ईमानदार कौन होगा जो अपनी शक्ल पर हंसना जाने। उससे ईमानदार ईमानदार और भी होते हैं। जैसे एक जोड़ा पार्क में बैठा हुआ था, पुलिस वाले आ गए, गायब गायब, ये कोई जगह? अच्छा तुम शादीशुदा है तो घर जाके बैठो। इसका पति नहीं मानेगा। ईमानदारी जिंदगी में होनी चाहिए। जैसे आदमी ईमानदारी से उत्तर देता नहीं है, जैसे क्लास में बच्चों को खड़ा किया टीचर ने, बताओ सबसे ज्यादा विटामिन किस में होते हैं? लड़का खड़ा हो गया, सर सबसे ज्यादा विटामिन तो ड्राई फ्रूट में होते हैं, बहुत विटामिन होता है, ABCD जहां तक जाओ होते, खाओ तो बहुत ताकत आती है। दूसरा बोला, नहीं सर गलत आंसर है, सबसे ज्यादा विटामिन फल फ्रूट में होते हैं, संतरा खाओ, केला खाओ, सेब खाओ, बहुत बहुत ताकत आती है। तीसरा खड़ा हुआ, नहीं सर सबसे ज्यादा विटामिन मोबाइल फोन में होते हैं। बोले कैसे? एक दिन भी यूज ना करो तो बहुत कमजोरी महसूस होती है। ये है ईमानदारी, इसे ईमानदारी कहते। प्यार मोहब्बत में कभी कभी धोखा हो जाता है जी। प्यार किसी और से करो और रिस्पांस कोई और देने लगता है। इसको धोखा थोड़ी कहते हैं, इसको तो भाग्य कहते हैं। तब लिखना पड़ता है, ए प्यार मोहब्बत भी क्या कमाल कर रही, हर वक्त प्रेमिका हमारा ख्याल कर रही, हम फोन मिलाते थे जिससे बात करने को, अब उसकी मम्मी खुद हमें मिस कॉल कर रही। अरे वाह, ये अच्छी बात है। अच्छा सर जी, जब महानगर के लड़कों को किसी लड़की से प्यार होता है तब उनको लड़की जन्नत की हूर नजर आती है, कहते हैं कि तुम मेरी जिंदगी में परी की तरह आई हो, तुम मेरी जिंदगी में जन्नत की हूर की तरह आई हो। लेकिन जब यही प्यार गांव के अनपढ़ किसान लड़के को होता है वो क्या कहता? तब उसके मन में क्या विचार आते हैं? हाँ। वो कहता है कि आई हो पास जब से मोटी आए की तरह, मोटी आए की तरह, वाह वाह अच्छी बात है। आई हो पास जब से मोटी आए की तरह, लगने लगी हो तब से गर्म चाय की तरह, लगने लगी हो तब से गर्म चाय की तरह, तुम मुझ में थोड़ा प्यार की हरियाली देख कर, मेरे दिल में घुस गई हो नील गाय की तरह। क्या बात है, बहुत बढ़िया संदीप। और 4 पंक्तियां बुजुर्गों में जब मैंने परिवर्तन देखा तब लिखा, बुजुर्गों में परिवर्तन देखा। हाँ, सुना। जर जर सी जिंदगी को ये पटरी पे ला रहे, जर जर सी जिंदगी को ये पटरी पे ला रहे, और प्यारे वाले गीत सुन के खिल खिला रहे, और प्यारे वाले गीत सुन के खिल खिला रहे, जब इनको किसी काम से जरूरत ही नहीं, जब इनको किसी काम से जरूरत ही नहीं, तो किसके लिए दादा सिला जीत खा रहे। कमाल है यार। तब मैं, यार ये गलत बात है यार, गलत बात है, ऐसा बुजुर्गों को प्रहार मत करो। लेकिन भावनाएं तो सब में होती है, ये अलग बात है, उनकी अवस्था कुछ ऐसी है कि जिसमें कुछ व्यवस्था नहीं है। लेकिन अरे किस जमाने में कहा था, क्या दिक्कत है सर? मान लो किसी को डायबिटीज हो जाए तो वो क्या रेस्टोरेंट में बैठ के मेन्यू कार्ड भी नहीं देखे? बिल्कुल देख सकता है। बस प्रहार मत करो। 4 पंक्तियां संदेश के रूप में लिखो, दो बुजुर्गों को संदेश देना चाहता हूं। हाँ, दो। कि इस जिंदगी में ज्यादा ताम झाम न करना, इस जिंदगी में ज्यादा ताम झाम न करना, इज्जत बनी बनाई है बदनाम न करना, इज्जत बनी बनाई है बदनाम
अंकल जी छेड़ छाड़ वाला काम न करना, अंकल जी छेड़ छाड़ वाला काम न करना। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे संदीप, बहुत बढ़िया। तुम्हारी खुद की उम्र क्या है संदीप? 30-35 साल हो। 30-35, ये क्या हुई, एवरेज निकालूं? 30+35 भाग दो जी। पहला आदमी देखा जो 5 साल का अपना प्रोविजन दे रहा है कि 30-35 में से कुछ भी चुन लो। 30 मान लीजिए। क्यों मान लूं? फिर 35 कहाँ से फंसाया तुमने? जब आदमी अपनी उम्र 30-35 बता रहा है मतलब 42 से कम तो है नहीं, ये तय बात है जी। है ना? और जब तुम खुद अधेड़ अवस्था के हो, खुद 40 के पार निकल गए हो और बुजुर्गों को सलाह, अरे सेमी बुजुर्ग तो तुम भी हो यार जी, लेकिन कोई अपने को बुजुर्ग मानता नहीं ना। तुम्हारी खुद की भी है 1942 लव स्टोरी है। एनीवे संदीप तुमने कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया।